तो बडी मर्फी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या वो इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर NJPW में जाएंगे? वैसे चांस बहुत ही कम है कि वो AEW में आने वाले हैं। और भाई NXT बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था ब्रिट बेकर को साइन करने के लिए, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रोमो कौन डिलीवर करता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप लोग? अब देखो इस वीडियो में भाई बहुत सारी न्यूज होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार क्या ही कर रहे हो, जल्दी से लाइक ठोक दो। अब चलो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किप सेबियन के बारे में। अब देखो किप सेबियन जो है वो बहुत दिनों से हमको AEW में नहीं देखने को मिल रहे हैं, और फिलहाल वो AEW के मतलब डायनामाइट के शो से बाहर चल रहे हैं। लेकिन रिसेंट में भाई उन्होंने एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया है जिससे कि वो अपना रिटर्न जो है वो टीज कर रहे हैं, और न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है कि भाई उनका जो फर्स्ट फ्यूड होगा मतलब रिटर्न के बाद वो होगा सेमी गवारा के साथ। अब देखो सीन ये बन सकता है कि भाई सेमी गवारा पर अटैक कर सकते हैं किप सेबियन, और आपको तो पता है कि सेमी गवारा और TNT टाइटल मतलब TNT चैंपियन मीरो के बीच मैच भी फिक्स हो चुका है। तो पॉसिबली ऐसा हमको देखने को मिल सकता है कि किप सेबियन जो है वो इस मैच में इंटरफेरेंस करें और सेमी गवारा पर अटैक करें, और भाई उसके बाद हमको किप सेबियन और सेमी गवारा का फ्यूड देखने को मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेमी गवारा जो हैं वो टाइटल जीत लें और उसके बाद किप सेबियन उन पर करें, और उसके बाद इनका हमको फ्यूड देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग सीन बनेगा, और देखते हैं कि मतलब कब और कैसे इनका फ्यूड स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रोमो कौन डिलीवर करता है। तो रिसेंट में बुकर टी ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि भाई MJF जो हैं वो पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में सबसे अच्छा बेस्ट प्रोमो डिलीवर करते हैं। भाई उन्होंने MJF की बहुत ज़्यादा तारीफ की, उन्होंने बोला कि देखो MJF जो है वो बहुत ही कमाल का रेसलर है, और उसका जो प्रोमो होता है वो ऐसा लगता है कि भाई सच में कोई बंदा बोल रहा है, पूरा रियलिस्टिक होता है। तो MJF की भाई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं बुकर टी। वैसे बात तो सच ही है, क्योंकि भाई MJF ने अपने कैरेक्टर को इतना अलग ही लेवल पर लेके पहुँच चुके हैं कि उनको हराना या फिर उनको बीट करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो हाँ, MJF एक कमाल के रेसलर हैं, और उनके प्रोमो स्किल्स भाई कमाल की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रिट बेकर के लिए क्या NXT इंटरेस्टेड था। तो रिसेंट में भाई एडम कोल ने मतलब रिवील किया कि भाई NXT के जो भी मतलब प्रोड्यूसर थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ब्रिट बेकर के लिए। तो एडम कोल ने ये बोला कि भाई मुझसे ये बोला गया था कि हाँ, जब भी मतलब जो ब्रिट बेकर हैं वो फ्री हों, उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाओ, हम उनको साइन करना चाहते हैं। बट ऐसा तो हो नहीं पाया क्योंकि भाई AEW ने उनको पहले ही साइन कर लिया। तो हाँ, WWE भी इंटरेस्टेड थी ब्रिट बेकर के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं केनी ओमेगा के बारे में। तो रिसेंट में भाई इन्होंने बहुत कुछ मतलब बोल दिया है। इन्होंने ये बोला कि देखो 90% जो WWE के रेसलर्स हैं वो AEW को साइन करना चाहते हैं, और ऐसा मतलब इसलिए है क्योंकि भाई AEW जो है वो पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में मतलब बेस्ट प्रमोशन है, जो फैंस चाह रहे हैं AEW डिलीवर कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हाइप्ड जो है वो AEW के लिए ही है। वैसे भाई केनी ओमेगा की बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि WWE से ज़्यादा इंटरेस्टेड अब फैंस जो हैं वो AEW के लिए हो गए हैं, क्योंकि भाई AEW इतने कमाल के मतलब मैचेस डिलीवर कर रहे हैं, इतना कमाल का फ्यूड डिलीवर कर रहा है, और भाई इतने कमाल कमाल के सुपरस्टार्स AEW में आ रहे हैं। तो हाँ, मतलब कह सकते हो कि 90% तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे कमाल के रेसलर्स जो हैं WWE के वो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ AEW में हम आ सकते हैं। जैसे कि भाई आप लोग सैमी जेवेन का नाम ले सकते हो, केविन ओवेंस का नाम है, और फिन बैलर का भी नाम है। तो बहुत सारे कह सकते हो WWE के सुपरस्टार्स जो हैं वो इन फ्यूचर AEW में आ ही सकते हैं, ये चीज़ आप लोग कन्फर्म मान लो। तो भाई यही कुछ अभी फ़िलहाल में कहना है केनी ओमेगा का। वैसे उनकी बातें सच ही हो रही है, फ़िलहाल में तो भाई AEW इज़ द बेस्ट।
अब लास्ट एंड फाइनल अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि है बडी मर्फी से जुड़ा हुआ। सॉरी मतलब मर्फी से कुछ भी बोल सकते हो, वैसे तो सब लोग इनको अच्छे से जानते ही हैं। तो WWE ने तो इनको रिलीज किया और उसके बाद से न्यूज ये आ रहा था कि भाई ये AEW में अपना डेब्यू कर सकते हैं। और उसके बाद एक और न्यूज निकल कर आया कि भाई इन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अभी फिलहाल डेव मेल्जर ने ये बताया है कि भाई AEW जो है वो मतलब कह सकते हो अब इंटरेस्टेड नहीं है बडी मर्फी के लिए, और पॉसिबली बडी मर्फी जो हैं वो AEW में ना आकर या फिर कह सकते हो NJPW में जा सकते हैं या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना डेब्यू कर सकते हैं। तो यही कुछ फ्यूचर हो सकता है और चांसेस बहुत ही कम है कि बडी मर्फी जो हैं वो AEW में आए, और फिलहाल यही कुछ कहना है डेव मेल्जर का। तो भाई डेव मेल्जर की बातें वैसे तो सच्ची होती है, तो पॉसिबली यही हो सकता है। और वैसे भी भाई AEW में मतलब बहुत सारे कह सकते हो सुपरस्टार्स हैं, तो अगर बडी मर्फी आते हैं तो उनको बुक करना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सीन हो सकता है। तो हाँ, बडी मर्फी इम्पैक्ट रेसलिंग में जाएंगे तो इम्पैक्ट रेसलिंग को भी फ़ायदा होगा और बडी मर्फी को भी फ़ायदा होगा। तो आप लोग क्या चाहते हो, बडी मर्फी क्या इम्पैक्ट रेसलिंग में जाएं या फिर AEW में आएँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक मार दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बस मिलता हूँ अगली रेसलिंग वीडियो में। सी यू, बाय बाय।